बॉर्डर पर ड्रैगन बुन रहा है साजिश का जाल, अंधेरे में कर रहा है युद्धाभ्यास। एलएसी पर चीन ने तैनात किए बॉम्बर, पीएलए के इंफ्रास्ट्रक्चर से पेंटागन चिंतित है, कहा भारत जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तानी करतूत की पोल फिर से खुली और अमेरिका ने चीन पर क्यों लगाए नए प्रतिबंध। पड़ोसी देशों की साजिशों से जुड़ी तमाम खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। एलएसी के मुद्दे पर भारत से तनाव के बीच ड्रैगन की आर्मी रात के अंधेरे में भी सैन्य अभ्यास में जुटी है। इतना ही नहीं, बायोलॉजिकल एंटी न्यूक्लियर वॉरफेयर और केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल कर रही है। चीन के सैन्य अभ्यास को देखकर ऐसा लगता है कि वो हमले की तैयारी कर रहा है। चीन ने भारत के साथ लगने वाली सीमा पर सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है और यहां पर लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों की तैनाती भी की है। चीन ने बॉर्डर के पास के इलाकों में बमबर्षक विमान भी तैनात किए हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन की इस तैनाती को लेकर चिंता जताई है। भारत पहले ही चीन की इस करतूत को उजागर कर चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इंडियन बॉर्डर के पास चीन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर चिंता जताई है। हालांकि विशेषज्ञों और अधिकारियों को भरोसा है कि भारत चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। हिमालय क्षेत्र में भारतीय सेना चीनी सैनिकों पर हमेशा ही भारी पड़ती रही है। चीन ने युद्धक हेलीकॉप्टर से भी अपने युद्धाभ्यास को धार देने वाले प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए हैं, जिसमें उसने अपने जेड और डब्ल्यू जेड सीरीज हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। इन हेलीकॉप्टरों से पैदल सैनिकों की मदद के लिए ड्रिल की गई। अमेरिका ने चीन की कई बायोटेक सर्विलांस कंपनियों और कई सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये कार्रवाई शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर चीन के हत्याचार के विरोध में की गई है। इन प्रतिबंधों के चलते चीन की कई कंपनियां अमेरिका में व्यापार नहीं कर पाएंगी। यदि किसी कंपनी का अमेरिका में संपत्ति है तो वह जब्त कर ली जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग के आतंकवाद पर जारी रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 में कहा गया है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद से लड़ने के लिए बेहद कम कदम उठाए हैं। उसने मसूद अजहर जैसे आतंकियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की है। इस रिपोर्ट में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ की गई है और कहा गया है कि वो आतंकी खतरों को रोकने में कारगर हैं। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान अपनी जमीन को चीन के हाथों गिरवी रखने पर आमादा है। इमरान ने ग्वादर को सिंगापुर बनाने का सब्ज साग दिखाया है, लेकिन जनता उनके मंसूबों को पूरी तरह समझ चुकी है। पिछले एक महीने में कई बार हजारों की तादाद में स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे हैं और CPEC प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर में चीन के अरबों डॉलर के निवेश का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के पूर्व चेयरमैन शब्बर जैदी ने पाकिस्तान को दिवालिया देश करार दिया है। जैदी का कहना है कि इमरान सरकार का सब ठीक होने का दावा करने की बातें झूठ है। एक कार्यक्रम में जैदी ने कहा कि भ्रम में रहने से बेहतर है कि वास्तविकता को पहचाना जाए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एक और नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। ISI ने मुजफ्फराबाद में हुई आतंकवादी संगठनों की बैठक में कहा कि टारगेट किलिंग लगातार होती रहनी चाहिए। इसके लिए बकायदा एक नया ग्रुप बनाया जाए जो तमाम हमलों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। उसने कहा टारगेट किलिंग के लिए उरी और तंगधार के जरिए हथियार और विस्फोटक भेजे जाएंगे। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।